और इस बड़ी खबर आपको बताएं, गिरिराज सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा है कि जनता के दिलों में मोदी हजारों साल तक बसे रहेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जिस तरह से खड़गे में रैली के दौरान ये बात कही थी, उसके बाद जनता के दिलों में मोदी बसते हैं। गिरिराज सिंह ने सीधा सीधा निशाना मल्लिकार्जुन खड़गे पर साध दिया है। जनता के दिलों में रहते हैं और इस तरह की सियासत से परहेज करने की भी नसीहत दे दी है गिरिराज सिंह ने। लगता है कि खड़गे साहब राहुल गांधी के विरोधी हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी 100 साल बचे गए और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। खड़गे साहब आप यही चाह रहे हैं। खड़गे साहब नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर बास करते रहेंगे। कोई जिंदा रहे कोई मर जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ सकता है। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो भारत में गरीबों के मसीहा के रूप। तो गिरिराज सिंह को आपने सुना। आपको बताएं कि मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के दौरान तबीयत खराब हो गई थी और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन करके उनका हालचाल भी जाना था। और मनोज तिवारी अब कह रहे हैं कि ये समझ में आता है कि कांग्रेस की मंशा क्या है, खड़गे की मंशा क्या है। सुनिए जरा। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य पूछा, स्वास्थ्य का हालचाल पूछा, लेकिन उनके अंदर कितनी नफरत भरी है कि वो प्रधानमंत्री जी के लिए इतना नफरत भरा शब्द बोल रहे हैं, वाक्य बोल रहे हैं। तो मैं मानता हूँ ये कांग्रेस की फितरत है, ये खड़गे साहब का दोष नहीं है, ये कांग्रेस की फितरत है। क्योंकि कांग्रेस को अब लूट और भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा है, वो एक प्रकार से मानसिक रूप से दिवालिया होती जा रही है। तो प्रधानमंत्री पर सीधा सीधा वार किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने और इसको लेकर नाराजगी अब भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रही है। घमासान बढ़ता दिखाई दे रहा है। मनोज तिवारी भी कह रहे हैं कि मानसिकता समझ में आ रही है। गिरिराज सिंह ने भी सवाल खड़े किए हैं जिस तरह का बयान मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से दिया गया है। तो देखिए किस तरीके से एक एक करके प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी नेता नलन कोहली ने इस पर क्या कहा है, आइए सुनते हैं। ये वरिष्ठ नेता है और उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई भी चिंता हो, जो मीडिया में जानकारी मिली है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जानकारी ली, उनसे शायद बात की, तो ये तो मानवीयता है, ये राजनीति से जुड़ा नहीं है। उनकी इच्छा है कि वो नरेंद्र मोदी जी को हटाना चाहते हैं और तब तक जीवित रहना चाहते हैं, ये उनकी एक राजनीतिक सोच है। वो राजनीतिक सोच के ऊपर में जनता तय करेगी। देखिए किस तरीके से अब प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। नलिन कोहली को आप सुन रहे थे कि उन्होंने इसको लेकर बोला है, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा है कि हटाकर ही दम लूंगा। सवाल यही कि राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर किसी को फोकस करके राजनीति करना ये सोचने वाली बात है। और चलिए आगे बढ़ते बात अतिक्रमण पर एक्शन की करेंगे। धारावी में अवैध निर्माण हटाने का काम शुरू हो गया है। मस्जिद ट्रस्ट खुद अवैध निर्माण को तोड़ रहा है, कोर्ट से राहत ना मिलने पर अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है। बीएमसी ने मस्जिद ट्रस्ट को अल्टीमेटम दिया था। देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धारावी में जो अवैध मस्जिद, जो इलाका अवैध है उस मस्जिद में, उसे तोड़ने का काम अब खुद मस्जिद ट्रस्ट कर रहा है। अल्टीमेटम दे दिया गया था एमसीडी की तरफ से और अब ये कार्रवाई हो रही है। इससे पहले 10 दिन पहले बीएमसी की टीम पहुंची थी और स्थानीय लोगों के विरोध को देखते हुए कार्रवाई नहीं की गई थी। अब कोर्ट से राहत क्योंकि नहीं मिली है, कोर्ट का रुख किया गया था और ऐसे में अल्टीमेटम की मियाद खत्म होने के बाद मस्जिद ट्रस्ट खुद ये कार्रवाई कर रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और सत्यप्रकाश सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से, उनके पास जाना चाहेंगे। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बीते दिनों की जो तस्वीरें हैं वो आपको याद होगी कि किस तरीके से हंगामा मचाया गया था, लेकिन अब खुद वहां पर मस्जिद ट्रस्ट जो है वो उसको तोड़ रहा है, क्या अपडेट मिल रहा है वहां से और तस्वीरें क्या निकलकर सामने आ रही हैं?
देखिए मस्जिद के जो ट्रस्टी थे बहुत कोशिश किए थे कि इस मस्जिद को किसी जो अवैध हिस्सा है उसको बचाया जाए, लगातार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिले, इसके अलावा कोर्ट में गए, कोर्ट से भी नहीं उनको मिला राहत। तो कहीं ना कहीं अब खुद जो ट्रस्टी हैं आज सुबह से ही जो अवैध बेरूत में इसराइल की एयर स्ट्राइक, देर रात आतंकियों के ठिकानों पर किया मिसाइल अटैक, अपार्टमेंट की इमारत को बनाया निशाना। बेरूत के अपार्टमेंट पर IDF का हवाई हमला, हमले में फिलिस्तीन के 3 सदस्यों की मौत। बेरूत में मारा गया इसराइल विरोधी फिलिस्तीनी नेता इमाद ओदेह नाम का आतंकी समर्थक, इसराइली हमले में ढेर। सीरिया की राजधानी दमिश्क में भी एयर स्ट्राइक, राष्ट्रपति बशर के भाई की इजरायली हमले में मौत, ईरानी ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे मेहर अल असद। इजरायल के जारी हमलों के बीच जो बाइडेन का बयान, कहा हमला रोकने के लिए इजरायल से करेंगे बात, मिडल ईस्ट को युद्ध से बचना चाहिए। नसरुल्ला की मौत पर शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता का बयान, कहा इस्लाम के लिए नसरुल्ला ने कुर्बानी दी। बड़े ही अफसोस के साथ ये इत्तला देना पड़ रही है कि हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत हो गई। रूस के एक गोदाम में लगी भीषण आग, लोगों में मचा हड़कंप, आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार, कहा खड़गे ने दिया बेतुका बयान, कांग्रेस के मन में पीएम मोदी को लेकर नफरत और डर का माहौल। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी, 8 अक्टूबर को मिलेगा सम्मान। अब सांसद स्वाति मालीवाल डेंगू से ग्रसित, जानकारी देते हुए कहा दिल्ली में एक हफ्ते में 300 केसेस मिले, रोकथाम MCD नाकाम हुई। यूपी में आज कर्मचारियों के लिए संपत्ति का ब्यौरा देने का अंतिम दिन, जानकारी नहीं देने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा वेतन। आपको बताएं कि हवा में करतब करते हुए वीडियो वायरल हुआ है, साइकिल चलाते नजर आया युवक, युवक के पहाड़ों के बीच करतब करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। दिल्ली के द्वारका में चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई, चालक ने समय रहते बचाई अपनी जान, कार जलकर खाक हो गई। यूपी के बहराइच में तेंदुए का आतंक, आदमखोर पिंजरे में हुआ कैद, खेत की रखवाली कर रहे किसान को तेंदुए ने बनाया था निवाला। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में वन विभाग ने बाघिन T83 को पकड़ा है, 3 साल बाद बाघिन को पकड़ने में मिली सफलता, लोगों ने ली राहत की सांस। उन्नाव में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, एक तस्कर के पैर में लगी गोली, दूसरा फरार, पुलिस दूसरे तस्कर की तलाश में जुटी। बहराइच में जमीन विवाद को लेकर मारपीट, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के मिर्जापुर में दबंगों के हौसले बुलंद है, बीच सड़क युवक को चाकू मारने का वीडियो वायरल हुआ है। बहराइच में पुलिस ने शव का किया अंतिम संस्कार, युवक ने खुदकुशी करने की दाह संस्कार की उठाई जिम्मेदारी, परिवार वालों के पास नहीं थे दाह संस्कार के लिए रुपए। मुजफ्फरपुर के औराई क्षेत्र में करीब 500 घरों में घुसा बाढ़ का पानी, तटबंध के बाहर बसे लोगों के लिए अलर्ट किया गया जारी। नेपाल में बाढ़ ने मचाई तबाही, तेज बहाव में बहे पुल, बाढ़ से अब तक करीब 192 लोगों की मौत,